व्यवसाय का अध्ययन विषय के अंतर्गत हम अध्याय 15 में वित्तीय प्रबंध के बारे में हम जान रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। इसके पहले जो है हमने वित्तीय प्रबंध से आशय, वित्तीय नियोजन से आशय, उनके प्रकार वगैरह पे अध्ययन किया। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि एक उपक्रम में पूंजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, अर्थात जो सामान्य तौर पर हम जानते हैं कि जो व्यवसाय उस उद्योग को संचालित करने के लिए जो पूंजी लगाई जाती है वो वित्त से जुड़ी है, वित्त कहलाती है। अब यहाँ पर जो है व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में हम अलग अलग पूंजी किस क्रम में लगना है उसका हम निर्धारण करते हैं। एक कंपनी में जो पूंजी प्राप्त होती है वो अंश पत्र और ऋण पत्र के माध्यम से प्राप्त होती है, और इस पूंजी के माध्यम से जो है कंपनी अपना संचालन करती है। तो यहाँ पर जो पूंजीकरण है, पूंजीकरण से आशय व्यापक तौर पर पूंजी की मात्रा व किस्म, पूंजी की मात्रा और उसकी किस्म है। मात्रा से तात्पर्य यहाँ पर कि कितनी मात्रा में, क्वांटिटी में पूंजी लगना है, और किस्म से तात्पर्य यहाँ पर कि किस प्रकार की, या अंश से रिलेटेड पूंजी है, या ऋण पत्र से संबंधित पूंजी है, या विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण की पूंजी है जो कि ऋण के रूप में प्राप्त की गई। तो यहाँ पर पूंजी का जो संबंध है वो उसकी मात्रा और किस्म दोनों से है, जबकि संकुचित तौर पर पूंजी की मात्रा पर ही ध्यान दिया जाता है। सामान्य तौर पर हम एक व्यवसाय या एक उद्योग में सिर्फ ये देखते हैं कि उसकी पूंजी कितनी है, कितनी मात्रा में पूंजी लगी है, किस्म पर ध्यान नहीं दिया जाता, अर्थात यहाँ व्यवसाय में लगी कुल पूंजी की मात्रा से होता है। पूंजीकरण से जो आशय है वो सामान्यतः अंश पूंजी, कुल अधिशेष तथा ऋण पूंजी, बांड अंश ऋण पत्र को सम्मिलित किया जाता है। यहां पर जो है पूंजीकरण में जब बात हम मात्रा के साथ किस्म की करते हैं तो किस प्रकार से, कहां से, किन साधनों से हमें पूंजी प्राप्त हुई है, तो जैसे अंश पूंजी के माध्यम से हो गया, या जो अधिशेष है, या फिर ऋण पूंजी के माध्यम से, विभिन्न बांड्स के माध्यम से, या ऋण पत्र के माध्यम से पूंजी हमें प्राप्त हुई है। इस प्रकार से पूंजीकरण का तात्पर्य उपक्रम में कुल प्रयुक्त कुल पूंजी के वर्तमान मूल्य से होता है, अतः एकल व्यवसाय में पूंजीकरण का कोई महत्व नहीं होता। एकल व्यवसाय में जो है पूंजीकरण का महत्व इसलिए नहीं होता कि यहाँ पर जो पूंजी लगाई जाती है वो स्वामी की व्यक्तिगत निजी पूंजी लगाई जाती है। कंपनी की दशा में जो है जो पूंजी प्राप्त होती है वो अंश पूंजी से, ऋण पूंजी से, बांड से, या ऋण पत्र से प्राप्त होती है। अब यहां पर हम देखते हैं कि पूंजीकरण व पूंजी संरचना में क्या अंतर है। पूंजीकरण का जो संबंध है वो दीर्घकालीन विनियोग से है, अर्थात एक लंबे समय के लिए जो पूंजी का इन्वेस्टमेंट व्यवसाय या उद्योग में किया जाता है वो दीर्घकालीन विनियोग से है। इसमें अंश ऋण पत्र व संचित लाभों को सम्मिलित किया गया, जबकि पूंजी संरचना का संबंध दीर्घकालीन विनियोग की बनावट से है, जिसमें निर्गमित की जाने वाली प्रतिभूतियों के प्रकार एवं अनुपात शामिल है। मुख्य रूप से पूंजीकरण पूंजी की मात्रा व पूंजी संरचना कोष को किस्म का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये पूंजीकरण और पूंजी संरचना में अंतर है। इसके बाद हम देखेंगे पूंजीकरण की जो स्थितियां हैं वो कौन कौन सी हैं। एक व्यवसाय उपक्रम में पूंजीकरण का सही अनुमान ना लगा पाने के कारण व्यवसाय में अति पूंजीकरण या अल्प पूंजीकरण की समस्या बनी रहती है। तो ये अति पूंजीकरण क्या है, अल्प पूंजीकरण क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे कि सामान्य तौर पर एक व्यवसाय उपक्रम में व्यवसायी या उद्योगपति जो है वो कितनी मात्रा में पूंजी लगना है, किस प्रकार की पूंजी लगना है, इसका वो अनुमान लगाता है, और जब वो अनुमान यदि उचित रहा तो ये समस्या अति की या अल्प पूंजीकरण की नहीं आती, लेकिन यदि अनुमान गलत हुआ तो व्यवसाय में अति पूंजीकरण या अल्प पूंजीकरण की स्थिति बन जाती। तो अति पूंजीकरण क्या है, अति पूंजीकरण से आशय कंपनी की अर्जन क्षमता इतनी अपर्याप्त होना कि वह अपनी प्रतिभूतियों को सम मूल्य पर बेच सके, अर्थात जो अंश निर्गमित किए गए उनकी राशि वास्तविक आवश्यकता या लाभ कमाने की क्षमता से अधिक होती है, फलस्वरूप उन पर दिया जाने वाला लाभांश इतना कम कि
जब व्यवसाय की जो अर्जन क्षमता है, व्यवसाय के लाभ कमाने की क्षमता है, वो इतनी कम हो जाती है कि वो अपनी प्रतिभूतियों को जो है सम मूल्य पर ही बेच पाता है, अर्थात अधिक मूल्य पर नहीं बेच पाता। क्यों? क्योंकि उन प्रतिभूतियों पर जो लाभांश की दर है वो क्या हो जाती, कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो है उन पर दिया जाने वाला जो लाभांश इतना कम होता है कि बाजार में उनका सम्मूल्य से भी नीचे गिर जाता है, तो ये अति पूंजीकरण की स्थिति कहलाती है। गैस्टर्न वर्ग के अनुसार एक निगम अति पूंजीकृत मानी जाती है जब उसकी आय निर्गमित स्टॉक तथा बॉन्ड्स पर उचित दर से लाभांश देने के लिए अपर्याप्त हो, अथवा प्रतिभूतियों का देय मूल्य संपत्तियों के चालू मूल्य से अधिक हो। अर्थात यहाँ पर जो है एक कंपनी की, एक फर्म की जो आय है वो निर्गमित स्टॉक तथा बॉन्ड्स पर उचित दर से लाभांश देने के लिए क्या हो जाती है, अपर्याप्त हो जाती है, और जो प्रतिभूतियां हैं उनका देय मूल्य संपत्तियों के चालू मूल्य से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो ये स्थिति जो बनती है वो अति पूंजीकरण कहलाती है। एक कंपनी में अति पूंजीकरण के जो कारण है कि एक कंपनी में या एक संस्था में अति पूंजीकरण की स्थिति क्यों बनती है, तो सबसे पहला जो कारण है उद्योग की स्थापना जो है मुद्रा स्फीति या तेजी के समय की जाए। दूसरा जो है पूंजी की कमी होने पर अधिक ब्याज दर पर ऋण लेने पर। यदि व्यवसाय में पूंजी की कमी है और यदि हम अधिक ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में भी अति पूंजीकरण की स्थिति बनती है। तीसरा, जब निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में बदला जाता है तो उस समय संपत्तियों का मूल्य जो है बढ़ा चढ़ाकर वसूल किया जाता है। ऐसे समय में संपत्तियों का पुस्तक मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से क्या होता है, अधिक होता है। अतः इस स्थिति में भी जो है कंपनी की जो अर्जन क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर जो चौथा बिंदु जो हमने बताया था, पूंजीकरण का सही अनुमान न होना, अर्थात एक कंपनी में पूंजी की कितनी मात्रा में आवश्यकता है उसका प्रॉपरली शुरू में प्रारंभ में सही सही अनुमान न लगा पाने के कारण आवश्यकता से अधिक पूंजी का निर्गमन कर दिया जाए और उसका समुचित उपयोग न हो। अर्थात एक कंपनी जो है आवश्यकता से अधिक पूंजी का निर्गमन बाजार में कर देती है और उसका जो प्रॉपरली यूज होना चाहिए पूंजी का वो यदि सही ढंग से नहीं कर पाती है तो ऐसी स्थिति में अति पूंजीकरण की स्थिति बनती है। फिर जब कंपनियां स्थायी संपत्तियों पर ह्रास, प्रतिस्थापन एवं अप्रचलन के लिए कम प्रावधान करती है, कंपनी की जो संपत्तियां हैं उन पर ह्रास की दर को कम लगाती है, कंपनी जो विभिन्न यंत्र उपकरण संयंत्र हैं उनकी प्रतिस्थापना संबंधित व्यय या उनके अप्रचलन के कारण जो है यदि इन सब के लिए कम प्रावधान करती है तो संपत्तियों का पुस्तक मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से अधिक होता है, अर्थात बाजार में उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है जबकि पुस्तकी मूल्य उसका ज़्यादा यहाँ पर दिखा रहा है। तो इन कारणों से जो है अति एक कंपनी में या एक संस्था में या एक फर्म में जो है अति पूंजीकरण की स्थिति बनती है। दूसरा जो बिंदु है वो है अल्प पूंजीकरण। अल्प पूंजीकरण की स्थिति अति पूंजीकरण के ठीक क्या है, विपरीत है। इस स्थिति में कंपनी का जो वास्तविक मूल्य है उसके पुस्तक मूल्य से अधिक होता है, अर्थात जो कंपनी की संपत्ति का मूल्य जो है वो बाजार में पुस्तकी मूल्य से क्या होता है, अधिक होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अर्जन क्षमता के आधार पर कंपनी को जितनी पूंजीकरण की आवश्यकता होती है वो उससे कम पूंजी प्रयोग में लाई जाती है, अर्थात कम पूंजी का प्रयोग करके जो है कंपनी अधिक आय प्राप्त करती है। तो इस प्रकार से अल्प पूंजीकरण में कंपनी उद्योग में लगी हुई अन्य कंपनियों की तुलना में कम पूंजी लगाकर अधिक लाभ प्राप्त कर रही होती है, परंतु आवश्यक नहीं कि ऐसी कंपनी में पूंजी की कमी हो। तो अल्प पूंजीकरण से तात्पर्य ये है यहाँ पर कि एक कंपनी जो है कम पूंजी लगाकर अधिक लाभ प्राप्त करती है, इसका मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि उस कंपनी में पूंजी की कमी है। इसका आशय यह है कि कंपनी की प्रबंध की क्षमता इतनी बेहतर है कि वो कम से कम पूंजी लगाकर अधिक से अधिक उत्पादन कर रही है और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कुछ कारण है अल्प पूंजीकरण की स्थिति किन कारणों से बनती है, जैसे नंबर एक वित्तीय योजना,
वो अनुमान यदि गलत हुआ और उससे अधिक आय प्राप्त हुई तो ये अल्प पूंजीकरण के कारण है। इसका मतलब क्या है कि पूंजी का यहाँ पर बहुत बेहतर उपयोग किया गया। दूसरा, जब कंपनी मंदी के समय स्थापित हो। तीसरा जो है, कंपनी को कम ब्याज पर ही ऋण प्राप्त हो और उसमें लाभ अधिक हो। अर्थात कंपनी को जो है मंदी के समय यहाँ पर कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त हुआ है और उससे लाभ उसको अधिक हो रहा है। फिर चौथा है, कम पूंजी होने पर उसका गहनतम उपयोग करने से अल्प पूंजीकरण होता है। अर्थात व्यवसाय में, कंपनी में पूंजी कम मात्रा में है तो यहाँ पर पूंजी का जो है समुचित उपयोग करना, वो गहनतम उपयोग से रिलेटेड है। फिर प्रबंधकों व कर्मचारियों के अधिक कार्यकुशल होने पर, एक संस्था में, एक कंपनी में बहुत बेहतर कर्मचारी, कुशल कर्मचारी होते हैं तो ऐसी स्थिति में वे कम से कम पूंजी पर, कम से कम लागत पर जो है अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। तो इन स्थिति में भी यहाँ पर जो अल्प पूंजीकरण की स्थिति बन जाती है, अधिक लाभ की स्थिति। तो ये कारण जो है अल्प पूंजी के कारण है कि एक कंपनी में अल्प पूंजीकरण की स्थिति क्यों बनती है। तो आय का गलत अनुमान लगा लेने के कारण, कंपनी जब मंदी के समय स्थापित हो, या कंपनी ने जो है कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त किया है, कंपनी की जो लाभार्जन क्षमता वो अच्छी है, साथ ही उसने पूंजी का बहुत बेहतर उपयोग किया है, और अंतिम स्थिति जो है उस संस्था में, कंपनी में कार्यरत कर्मचारी जो है बहुत अधिक कार्यकुशल हैं और वे कम से कम पूंजी पर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। तो इस स्थिति में अल्प पूंजीकरण की स्थिति बनती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पूंजी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक स्थायी पूंजी और दूसरी होती है कार्यशील पूंजी। तो यहां पूंजी के दो दो प्रकारों में हम पहला जो प्रकार देखते हैं, स्थायी पूंजी क्या होती है। सामान्य तौर पर एक व्यवसाय को संचालित करने के लिए भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर इत्यादि की जरूरत पड़ती है। तो ये स्थायी संपत्तियां, जैसे भूमि, भवन, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ट्रेडमार्क आदि खरीदने के लिए स्थायी पूंजी प्रयुक्त होती है। तो इन स्थायी पूंजी से जो है व्यवसाय लंबे समय तक लाभ प्राप्त करता है या उत्पादन की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है। तो यहां पर जो स्थायी पूंजी की प्राप्ति है वो दीर्घकालीन स्रोतों से की जाने चाहिए। अब यहां पर जो भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर, ट्रेडमार्क खरीदने के लिए हमें स्थायी पूंजी की जरूरत है। अब ये स्थायी पूंजी हमें किन स्रोतों से प्राप्त होना चाहिए, जो ऐसे स्रोत जो लंबे समय तक के लिए हमारे साथ रहेंगे। तो यह दीर्घकालीन स्रोतों से की जानी चाहिए। विनियोक्ताओं की मांग पर इसे वापस नहीं किया जा सकता। अर्थात विनियोक्ता जो पैसा लगाने वाला है, यदि वो बीच में मांगना चाहता है तो उसे वापस नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इस पूंजी के विनियोग से लंबे समय तक लाभ प्राप्त किया जाता है। तो ये कहलाती स्थायी पूंजी। अर्थात व्यापार, व्यवसाय, उद्योग में स्थायी रूप से ऐसी संपत्ति, भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर, यंत्र, प्लांट, ट्रेडमार्क, जिनसे व्यवसाय लंबे समय तक लाभ अर्जित करता है, उत्पादन करता है, वो उन पर जो राशि व्यय की जाती है वो स्थायी पूंजी कहलाती है। अब यहां पर स्थायी पूंजी का महत्व, नंबर एक, किसी उपक्रम या उद्योग की स्थापना में स्थायी पूंजी आवश्यक है। अर्थात इस पूंजी की सहायता से हम व्यवसाय में स्थायी संपत्तियों को खरीदते हैं। तो यहां पर ऐसी पूंजी होना हमारे पास आवश्यक है, स्थायी पूंजी का। दूसरा है, व्यवसाय के विकास व विस्तार के लिए भी स्थायी पूंजी आवश्यक है। तीसरा जो है, पर्याप्त स्थायी पूंजी व्यवसाय की ख्याति बढ़ाने में सहायक होती है। यदि व्यवसाय के पास पर्याप्त मात्रा में स्थायी पूंजी है तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय की जो ख्याति है वो क्या होती है, बढ़ती है। फिर पर्याप्त स्थायी पूंजी की दशा में ऋण प्राप्त करने में सुविधा होती है। बाजार में उस कंपनी की स्थायी पूंजी की दशा जो है बेहतर है, अच्छी है, तो ऐसी स्थिति में बाजार से उसको ऋण प्राप्त करने में सुविधा होती है। फिर इसकी पर्याप्तता जो है लेनदारों में विश्वास जागृत करने में सहायक होती है। तो ये स्थायी पूंजी से आशय, स्थायी पूंजी क्या है और स्थायी पूंजी का महत्व। इसके बाद हम देखेंगे कि एक व्यवसाय में स्थायी पूंजी को निर्धारित करने वाले तत्व। तो सबसे पहला है व्यवसाय की परिस्थिति, प्रकृति। यदि उद्योग में यंत्रों एवं साजसज्जा, मेंटेनेंस पर बड़ी मात्रा में स्थायी विनियोग की आवश्यकता होती है, यदि ऐसा होती है,
दूसरा व्यवसाय का आकार, बड़े आकार के उद्योग हैं इनमें अधिक मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। जो बड़े आकार के उद्योग हैं इनमें हमें अधिक मात्रा में स्थायी पूंजी आवश्यक होती है। तीसरा उत्पादन विधि, आधुनिक तकनीकी उत्पादन विधि में अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन किस प्रकार से हो रहा है, आधुनिक तकनीक से नई मशीनों के द्वारा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें मशीनों के स्थापना के लिए अधिक मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। फिर चौथा स्थायी संपत्तियों की मात्रा, स्थायी संपत्तियों की मात्रा एवं उनका स्थान व विधि भी स्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करती है। यदि बड़ी मात्रा में भूमि का क्रय, बड़ी मात्रा में भवन संयंत्र स्थापित किए जाएं तो अपेक्षाकृत अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो स्थायी संपत्ति की मात्रा कितनी मात्रा में लगनी है, उनके स्थान किस प्रकार का है, किस स्थान पर लगाना लगाया जाना है, किस विधि से लगाया जाना है, इस सब के लिए जो है ना बड़ी मात्रा में भूमि को खरीदना होता है, बड़ी मात्रा में भवन संयंत्र स्थापित करना होता है। तो इसके लिए हमें अपेक्षाकृत सामान्य व्यवसाय की स्थिति में अधिक मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। फिर अवास्तविक परिसंपत्ति व्यय, कंपनी के स्थापना के समय जो प्रारंभिक व्यय प्रवर्तन व्यय किए जाते हैं वो भी स्थायी पूंजी की मात्रा को प्रबंध निर्धारित करते हैं। कंपनी की स्थापना के समय मशीनरी वगैरह लगाने के लिए, व्यवसाय को स्थापित करने के लिए जो ओपनिंग एक्सपेंडिचर किए जाते हैं प्रारंभिक व्यय, वो फिर प्रवर्तन कंपनी की स्थापना से जुड़े हुए संबंधित व्यय जो हैं ये बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, तो ये भी जो है स्थायी पूंजी की मात्रा को निर्धारित करते हैं कि कितनी मात्रा में स्थायी पूंजी को प्राप्त किया जाए। इसके बाद दूसरा बिंदु जो है कार्यशील पूंजी, जिसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी एक वो पूंजी होती है जो व्यवसाय को निरंतर चलाए रखने में मदद करती है, उत्पादन को गतिशील बनाए रखती है, कंटिन्यू बनाए रखती है। तो अल्पकालीन जो है वो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस पूंजी की आवश्यकता होती है वो कार्यशील पूंजी कहलाती है। जैसे व्यवसाय में कच्चा माल बार बार लगता है, बार बार हमें कच्चा माल खरीदना होता है, मजदूरी वेतन बार बार हमें हर महीने में जो है या डेली या वीकली मजदूरों को मजदूरी देनी होती है, महीने में एक बार कर्मचारियों को वेतन देना होता है, किराया ये भी हमें मंथली पेड करना होता है, ईंधन उत्पादन से जुड़ा हुआ है इस पर भी बार बार खर्च होता है, बिजली व्यय ये भी जो है हर महीने बार बार व्यय होता है, विज्ञापन एडवर्टीजमेंट आदि जो हैं ये विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न के डेली के जो व्यय हैं उत्पादन से जुड़े हुए हैं ये सभी जो हैं इनकी पूर्ति के लिए हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। अब यहाँ हम देखें कि चूंकि निर्माणी उद्योग में सभी बिक्री नगद ना होकर उधार भी होती है, तो जब तक उधार बिक्री राशि प्राप्त ना हो तब तक वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि निर्माणी उद्योग में जो है वस्तु का निर्माण होता है, विपणन के माध्यम से बाजार तक पहुँचता है, उसके बाद उपभोक्ताओं तक पहुँचता है, और जब वो बिककर जो है वापस उससे हमें विक्रय राशि प्राप्त होती तब तक हमें उसके पूर्व यहाँ पर पुनः उत्पादन करना होता है। तो ऐसी स्थिति में पूंजी जो है वहाँ पर ब्रेक हो जाती है और यहाँ हमें पुनः अगले उत्पादन को करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, तो उस स्थिति में यहाँ हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। सामान्य तौर पर जो कार्यशील पूंजी होती है वो सामान्य रूप से स्टॉक, देनदार, प्राप्त बिल, विनियोग आदि चालू संपत्ति के रूप में होती है। यहाँ इसके कुछ निर्धारक तत्व हैं कि कार्यशील पूंजी को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो यहाँ भी वही व्यवसाय की प्रकृति, अब ऐसे व्यवसाय जिसमें नियमित एवं निश्चित मांग वाले व्यवसायों में अनियमित एवं अनिश्चित मांग वाले व्यवसायों की अपेक्षाकृत कम कार्यशील पूंजी से काम चल जाता है, क्योंकि नियमित व निश्चित मांग होने पर नगद प्रवाह बना रहता है। अब यहाँ पर ऐसे व्यवसाय जिसमें निश्चित और नियमित रूप से मांग होती है वहाँ पर जो है पूंजी प्रॉपरली हमें प्राप्त होती रहती है, लेकिन जहाँ अनियमित मांग है वहाँ पर हमें कार्यशील पूंजी की बार बार जरूरत पड़ती है, क्यों, क्योंकि हमें नगद वहाँ पर प्राप्त नहीं हो पाता। तो व्यवसाय की प्रकृति, यदि
व्यवसाय का आकार जो है कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करता है। इस आकार को परिचालन स्केल ऑफ ऑपरेशन के रूप में मापा जा सकता है। अर्थात जो व्यवसाय का आकार किस प्रकार का है, उत्पादन किस प्रकार से है, उस आधार पर हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। और अगले तत्व हम यहाँ देखते हैं, निर्माण प्रक्रिया में लगने वाली लागत व समय। अब यदि निर्माण प्रक्रिया में जटिल और कठिन है और उत्पादन की लागत क्या है, अधिक है, वहां उत्पादन में समय लगता है तो कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। अर्थात ऐसी निर्माण प्रक्रिया जो काफी जटिल है, कठिन है और उत्पादन की लागत भी वहां पर अधिक है और उत्पादन में समय भी लगता है, तो ऐसी स्थिति में हमें रोटेट बनाए रखने के लिए जो यहाँ पर उत्पादन के रोटेट बनाए रखने के लिए कार्यशील पूंजी अधिक मात्रा में जरूरी होती है। फिर चौथा जो बिक्री में तीव्रता, यदि निर्मित माल या क्रय किए गए माल की बिक्री तेजी के साथ होती है और नगद होती है तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होगी। अब यहाँ पर यदि जो उत्पादनकर्ता के द्वारा माल तैयार किया गया, जो माल बेचने के लिए खरीदा गया है, उसकी बिक्री तेजी से नगद के साथ होती है तो ऐसी स्थिति में कार्यशील पूंजी जो है वर्किंग कैपिटल हमें प्राप्त होती चली जाती है, तो यहाँ पर हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होती है। तो बिक्री में यदि तेजी है तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होती है। फिर उत्पादन में कच्चे माल व श्रम की आवश्यकता, यदि उद्योग ऐसा है जिसमें उत्पादन हेतु बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता है या अधिक श्रम की आवश्यकता है तो हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। अब ऐसा उत्पादन है जिसमें हमें बहुत अधिक मात्रा में कच्चा माल लगता है, बहुत ज़्यादा मजदूरी लगती है, तो बार बार हमें कच्चा माल खरीदना है, बार बार हमें अधिक मात्रा में मजदूरों का भुगतान करना है, तो यहाँ हमें कार्यशील पूंजी की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। फिर कुछ उत्पादन ऐसे होते हैं मौसमी परिवर्तन से संबंधित, जो मौसम विशेष में है, जैसे गर्म कपड़ों का उद्योग, तो उसमें अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। इस जबकि इनमें कार्यशील पूंजी की मांग मौसम के अनुसार परिवर्तित होती रहती। तो यहाँ पर जो है ये कार्यशील पूंजी को निर्धारित करने वाले विभिन्न तत्व हैं जिनको हमने यहाँ देखा। इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, पूंजीकरण से क्या आशा है, पूंजीकरण एवं पूंजी संरचना में मुख्य रूप से क्या अंतर है, फिर अति पूंजीकरण की दशा क्या है, एक कंपनी में अति पूंजीकरण की स्थिति किन कारणों से उत्पन्न होती है, फिर अल्प पूंजीकरण की दशा क्या है, एक कंपनी में अल्प पूंजीकरण की स्थिति किन कारणों से उत्पन्न होती है, साथ ही स्थायी पूंजी से आशा एवं स्थायी पूंजी को निर्धारित करने वाले तत्वों को समझाइए, और अंतिम जो है कार्यशील पूंजी से आशा एवं कार्यशील पूंजी को निर्धारित करने वाले तत्व या बिंदुओं को समझाइए।